सलामती हो आप, आप यूट्यूब पर कोशिश चैनल देख रहे हैं आजकल सियासत का माहौल बहुत गर्म है लिहाजा आज हम आपको हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की सियासत के बारे में बताते हैं हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्ला की शख्सियत जिन्हें उम्र सानी भी कहा जाता है किसी तारफ़ की मोहताज नहीं अलबतः इतना ज़रूर है कि आज कल की नौजवान नस्ल इस नाम को न पहचानती हो और न जानती हो चूँकि आज की नस्ल अपने दीन से बहुत दूर है हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमिल्ल की मिसाल नहीं मिलती तमाम अरबी कुतब अद्बो तारीख़ उनके तदब्बर के वाक्यात से लबरेज हैं हमेशा उनकी सियासत कामयाब कामरान रही वो अपने ज़माने के अहल अल्लाह और इला अल्लाह थे उन्होंने कैसे सियासत की वो किस कदर अमीर थे सियासत में कैसे आए इंतहाई दिलचस्प मालूम थे लहजा आपसे दरखास्त है कि वीडियो को पूरा देखिए और अगर मुमकिन हो तो इसको अपने बच्चों के साथ और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए जब खलीफा वलीद ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्ला को मदीना मनवरा का गवर्नर बनाया तो आपने फरमाया कि मैं इस शर्त पर गवर्नरी मंजूर करता हूँ कि मुझे पहले गवर्नरों की तरह जुलम करने पर मजबूर न किया जाए खलीफा ने जवाब में कहा आप हक और अदल पर अमल करें खजाना शाही को एक पाई भी न मिले आपकी ये शर्त मंजूर होने के बाद आपने गवर्नरी कबूल की हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्ला मदीना मर्रा पहुँचे और सबसे पहले व कहाबर को जमा किया और उन लोगों को मुखातिब करके इशाद फरमाया अगर आप लोगों को मेरी रियासत में कहीं भी किसी पर भी जुल्म होता नज़र आए तो मुझे इतला ज़रूर करें जब तक हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज मदीना के गवर्नर रहे किसी शख्स ने आपसे अदल इंसाफ अदलो भलाई सखावत फ्याजी हमदर्दियों गमगुजारी और खैर गम खाही के अलावा कुछ नहीं देखा अब यहाँ से दोस्तों उनका असल सफर शुरू होता है कि जब वो खलीफा बने और उनकी बेहतरीन सियासत की वजह से उनकी पूरी सल्तनत पे कोई खैर देने वाला बाकी ना रहा था उस वक्त के खलीफा सलमान की आखिरी बीमारी में इस सरापाएल के इस पैकर को शक हुआ कि कहीं वो आपको अपना नायब और जान नशी ना मुकर कर दे चुनाचे वहाँ के वजी आजम रिजा बिन हाया के पास तशरीफ़ ले गए और यूं गोया हुए मुझे ख़तरा है कि खलीफा सुलेमान ने कहीं मेरे हक में वसीयत न कर दी हो लिहाजा अगर उसने वसीयत की होगी तो आपके में तो ज़रूर होगा आप मुझको बता दें ताकि मैं इस्तीफा दे पहले ही सबकद हो जाऊँ और खलीफा अपनी हयात में ही कोई दूसरा इंतज़ाम कर जाए वजीर अजम रजा बिन हया ने उस वक्त आपको टाल दिया मगर जब वसीयत नामा सामने आया तो आपका ख़तरा बिल्कुल दुरुस्त हुआ खलीफा दुनिया से रखत हो चुके मगर वसीयत में वो आपको अपना जानशीन मुकर कर गए। अब हजरत अब्दुल बिन अब्दुल अब्दु अजीज़ रहमुल्ला के पास और कोई चारा न था उस वास्ते आपने आम मुसलमानों को जमा करके अर्षात फरमाया लोगो मेरी ख़्वाहिश और तुम्हारी मंजूरी के बगैर मुझे खलीफा बनाया गया है मैं तुम्हें अपनी बैस से खुद ही आज़ाद करता हूँ तुम जिसे चाहो अपना खलीफा चुन लो ये सुनकर मजमे से बिलातफ़ाक़ आवाज आई या अमिर में हमारे खलीफा आप हैं हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने अर्शाद फरमाया सिर्फ उस वक्त तक जिस वक्त तक मैं इस इलाही की हद से बाहर कदम न रखूँ इस गुफ्तू के बाद शाही सवार पेश की गईं ताकि आप शाही महल तशीफ ले जाएं आपने अर्शाद फरमाया इन्हें वापस ले जाओ मेरी सवारी के लिए मेरा खच्चर काफ़ी है जब उलमन ने मेंबर पर हंसवे रिवाज आपका नाम लिया तो आपने मना फरमा दिया इन तमाम कार्रवाइयों के मुकम्मल होने के बाद आप उदास हैरान आंखों और उड़े हुए रंगत के साथ घर आए लॉन्डी ने देखते ही कहा आप आज इस कदर परेशान क्यों हैं आपने फरमाया आज मुझ पर फ़र्ज आयद किया गया है कि मैं हर मुसलमान का बग़ैर उसके मुतालबे के हक अदा करूँ आज मैं मशरक़ मकर के हर यतीम व मस्किन का और हर बेवा व मुसाफिर का जवाबदेह बनाया गया हूँ फिर मुझसे ज़्यादा काबिल रहम और कौन हो सकता है फिर अपनी बीवी फातिमा से जो कि खलीफा अब्दुल की नज़र नज़र थी इरशाद फरमाया अपना वो वेशमत जवाहर जो तुम्हें अब्दुल अब्दुलमलिक ने दिया था बैतुल माल में दाखिल कर दो तो या मुझसे अपना ताल्लुक ख़त्म कर लो ये सुनकर बा वफा सिर चशम बीवी उठी और अपने जहरात को बैतुल माल में भेज दिया जब दामन पार्क और घर साफ हो चुका तो आप अहल ख़ानदान की तरफ मतवज हुए और जजीद और मुवियत तक के वारसों को एक एक करके पकड़ा और तमाम गजब शुदा जायदाद और अम्वाल असर वारसों को वापस कर दिए माल और दौलत इस कदर से वापस हुआ कि हकूमत इराक़ का ख़जाना खाली हो गया और अखराज के लिए दमिश से वहाँ रुपया भेजा गया बा खैर खाहों ने कहा या अमीर आप अपनी औलाद के लिए कुछ छोड़ दें तो आपने फरमाया कि मैं उन्हें अल्लाह के सपोर्ट करता हूँ हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्ला ने अपने घर वालों के रोजीने बंद कर दिए जब उन्होंने तक किया तो फरमाया मेरे अपने पास कोई माल नहीं है और बैतलम में तुम्हारा हक हाँ भी इस कदर है जितना कि दूसरे मुसलमानों का है फिर मैं तुम्हें दूसरे मुसलमानों से ज़्यादा किस तरह दे सकता हूँ खुदा की कसम अगर सारी दुनिया भी तुम्हारी हम ख्याल हो जाए तो भी मैं नहीं दूंगा उमर बिन अजीज रहमुल्ला ने अपनी सल्तनत के अंदर मुस्लिम और गैर मुस्लिम के शहरी हकूक़ को यकस कर दिया हैरा का एक वाक्य है कि एक मुसलमान ने एक गैर मुस्लिम को किसी वजह से कत्ल कर दिया आपने कतल को पकड़ कर मकतूल के वारसों के हवाले कर दिया और उन्होंने इसे कत्ल कर दिया एक दूसरे वाक्य में एक ईसाई ने खलीफा अब्दुलमल के बेटे हिशाम पर दावा कर दिया जब मुद्दई और मुद्दा हाज़िर हुए तो आपने दोनों को बराबर खड़ा कर दिया हिशाम का चेहरा उस बेइज्जती पर फटते गजब से सुर्ख हो गया आपने ये देखा तो फरमाया उसके बराबर खड़े रहो शरीयत हक़ का किशान अदालत यही है कि एक बादशाह का बेटा अदालत में एक नसरानी के बराबर खड़ा हो हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ का दौरेकूमत सिर्फ ढाई साल का है इस मुख्तसर और कलील मुद्दत में खल के खुदा ने यूँ महसूस किया कि ज़मीन व आसमान के, के दरमियान अदल का तराजू खड़ा हो गया है अफित इलाही खुद आगे बढ़कर इंसानियत को आज़ादी मोहब्बत और खुशहाली का ताज पहना रही है लोग हाथों में खैरात लिए फिरते थे मगर कोई मोहताज नहीं मिलता था क्योंकि यहाँ कोई हाजतमंद बाकी ही नहीं रहा था आदि बिन अत वाली फ़ारस ने आपको लिखा कि यहाँ खुशहाली इस कदर बढ़ गई है कि आम लोगों के कब्र गुरूर में मुबला हो जाने का ख़तरा पैदा हो गया है आपने जवाब भेजा कि लोगों को खुदा का शुक्र अदा करने की तलीम देना शुरू कर दूँ एक तरफ लाखों और करोड़ों लोग अमन वमसरत और राहत और और शाद मानी के शादियाने बजा रहे थे तो दूसरी तरफ वो वजूद मुकदस जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ था रोज बरोज लागर और ज़यीफ होता चला जा रहा था उसे दिन का चैन मयसर नहीं था और ना ही चैन की नींद नसीब होती थी जब हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्ला मदीना के गवर्नर बनाए गए तो उस वक्त उनका ज़ाती साजो समान इस कदर वसी और था कि सिर्फ उसी से पूरे तीस ऊँट लाद कर मदीना मुनवरा भेजे गए रिजा बिन हया का बयान है कि हमारी सल्तनत में सबसे ज्यादा खुश लिबास मुआतर और खुश वर्म शख्स उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्ला थे आपको खुशबू बहुत पसंद थी आप जिस तरफ से गुजरते थे गलियाँ और बाजार खुशबू में नहा जाते लेकिन जिस दिन खलीफा बनाए गए आपने सारी जगीरें लिबास अतरियात साजो सामान महल्ला लॉन्डियो गुलाम और सवारियाँ सब बेच दिए और कीमत बेतुल माल में दाखिल कर दी आपके पास सिर्फ एक जोड़ा रहता था जब वो मैला होता तो इसी को धोकर पहन लेते थे जब आप बहुत शदीद बीमार हो गए तो आपके साले ने अपनी बहन फातिमा यानी हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ की अहलिया से कहा अमीरुल उमू की कमीज़ बहुत मैली हो रही है लोग बीमार पुर्सी के लिए आते हैं उसे बदल दो हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमिल की बीवी ने यह सुना और खामोश हो गई भाई ने जब यह तकाज़ा दोबारा किया तो फरमाया खुदा की कसम खलीफा इस्लाम के पास इसके सिवा कोई दूसरा कपड़ा नहीं है मैं कहाँ से दूसरा कपड़ा पहना दूँ और यह जोड़ा भी खलीफा वक्त के बदन पर जो था सही सालम न था उसमें कई पैबंद लगे हुए थे जब ख़िलाफत की जिम्मेदारियों का पहाड़ आप पर टूटा तो गज़ा और ख़ुराक के अलावा वो मियाँ बीवी के तल्ल से भी अलहदगी इख्तियार कर ली सारा दिन सल्तनत की जिम्मेदारियाँ निभाते और रात के वक्त इशा पढ़कर तन तनहा मस्जिद में बैठ जाते और सारी सारी रात जागते सोते ग्रजादी में बसर कर देते बीवी से उनकी ये हालत देखी ना जाती एक दिन उन्होंने तंग आकर पूछा तो इर्शात फरमाया मैंने ज़िम्मेदारी के सवाल पर बड़ी अच्छी तरह गोज़ोज किया है और इसके बाद मैं इस नतीजे पर हूं कि मैं इस उम्मत के छोटे बड़े और सयाह और सफ़ैद का मौका ज़िम्मेदार हूँ मुझे ये यकीन हो चुका है कि मेरी सल्तनत के अंदर जिस कदर भी गरीब मस्किन यतीम मुसाफिर और मजलूम मौजूद हैं उन सब की जिम्मेदारी मुझ पर है खुदा ताला इन सब के मुतालिक मुझसे पूछेगा रसूल सल सल्हस इन सब के मुतालिक मुझ पर दावा करेंगे अगर मैं खुदा और उसके रसूल सल्लाम सल के सामने जवाब न दे सका तो मेरा क्या अंजाम होगा जब मैं इन बातों को सोचता हूँ तो मेरी ताकत गुम हो जाती है दिल बैठ जाता है आँखों से आंसू बेदरे बहने लगते हैं दोस्तों आपसे गुजारिश है कि वीडियो पूरी देखिएगा अब हम आपको उनके वफात के हवाले से बताते हैं की उन पर क्या गुजरे सन 101 सौ एक खिजीर में अमवी ख़ानदार के बाद लोगों ने आपके गुलाम को एक हजार अशरफी देकर आपको जहर दिलवा दिया आपको इसका इलम हुआ तो गुलाम को पास बुलाया उस रिश्वत की अशरफियाँ लेकर बैतलमाल में जमा करवा दी और फरमाया जाओ मैं तुम्हें अल्लाह के लिए मुआफ और आज़ाद करता हूँ फिर अपने बेटों को पास बुलाया और फरमाया ए मेरे बच्चों दो बातों में से एक बात तुम्हारे बाप के इख्तियार में थी एक ये कि तुम दौलतमंद हो जाओ और तुम्हारा बाप दो जख्म में जाए दूसरी ये कि तुम्हारा बाप जन्नत में दाखिल हो। लिहाजा मैंने दूसरी बात पसंद की अब मैं तुम्हें सिर्फ खुदा ही के हवाले करता हूँ उसके बाद आपने एक ईसाई को बुलवाया और उससे अपनी कबर की जमीन खरीदी ईसाई ने कहा मेरे लिए ये इज्जत क्या कम है कि आपकी ज़ात पाक मेरी जमीन में दफन हो मैं अब इज्जत की कीमत वसूल नहीं करूँगा मगर हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमुल्ला फरमाने लगे ये नहीं हो सकता आपने इसरार करके उसकी कीमत उस वक्त अदा कर दी फिर फरमाया जब मुझे दफन करो तो ये वसल्लम के नाखुन और मुहे मुबारक मेरे कफन के अंदर रख देना उसी वक्त रब्बानी आ गया और जुबान पर कुरानी जारी हो गई और फिर साथ ही इस्फानी दुनिया को छोड़कर अपने खाल के हकीक सजा मिले इन्ना ला जे दोस्तों वो लीडर और सियासतान और खलीफा वक्त जो अपने लिए नहीं अपने लोगों का सोचा करते थे और ख़ुद की जिंदगी कैसी गुजरी वो हमने आपको बता दी है इनसे ज़रा आज के सियासतदानों का मौख़ा कीजिए आपको समझ आ जा जाएगी कि हम कहाँ खड़े हैं आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारे नौ मुस्लिम और वो मुसलमान जिन्हें हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज के बारे में कुछ इलम नहीं उन्हें मालूम हो सके कि हमारे अकबर कैसे थे ये आर्टिकल दोस्तों हमने दारुल दारूम से हासिल किया है आज के लिए इतना ही अपना ख्याल रखिए और अपने इस चैनल का भी हमारे चैनल पर और भी बेतहाशा तहकीक शुदा वीडियोज अपलोडेड है चैनल को अच्छी तरह चेक करें अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ दिए गए घंटी के निशान को भी दबा दें बहुत शुक्रिया